पूर्वांचल में मानसूनी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, ऐसे में गरज चमक के बीच बारिश का यह क्रम अभी 3 से 4 दिन तक चलता रहेगा। 15 जून को भारी बारिश की संभावना बन रही है। सोमवार को भी आसमान में काले बादलों ने डेरा डाले रखा। दोपहर होते ही गरज चमक के साथ बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में तैनात आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 15 जून को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि आसमानी बिजली से बचने के लिए लोगों को भारत सरकार द्वारा बनाया गया दामिनी ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करने से बिजली गिरने की जानकारी मिलेगी, जिससे जान माल की हानि से बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए NDRF, SDRF और PSC अलर्ट पर है। किसी भी सूचना पर तुरंत राहत पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, मौसम विभाग द्वारा हम लोग को जो फोरकास्ट मिला है तो अगले मतलब 18 तारीख तक का ये फोरकास्ट है हमारे पास, जिसमें उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्होंने वर्षा का दिखा रखा है, जिसमें कल के लिए उन्होंने ये चेतावनी दी है कि एक या दो स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा यानी भारी से अधिक भारी वर्षा हो सकती है। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक फोरकास्ट जारी किया है और 15 तारीख को लेकर के ये अभी सूचना हम लोग के पास है। हमें प्रायः बिजली गिरने की जो बात होती है तो ये दामिनी ऐप है, दामिनी लाइटनिंग अलर्ट है। ये अगर आप देखेंगे तो ये जैसे ये गोरखपुर जहाँ अभी हम लोग कलेक्ट्रेट में हैं, तो ये गोरखपुर और के 20 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर पेरीफेरी में, और यहाँ पे अभी कोई अगले उसमें 10 से 15 मिनट कोई बिजली गिरने की कोई संभावना नहीं है। ये चीज़ों को ये दामिनी ऐप अलर्ट करता है। ये किसी भी प्ले स्टोर पर जा कर के आप इसको दामिनी लाइटिंग अलर्ट के नाम से आप इसको सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा, जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई है और जिस भी लोकेशन में आदमी रहता है वहाँ के एरिया के बारे में बता देते हैं। देखिए अभी हम लोग के पास 18 जून तक का अलर्ट हम लोगों को प्राप्त है और उस तिथि तक तो मानसून इसी प्रकार मौसम बना रहेगा। जो मौसम विभाग द्वारा जो सूचना हम लोगों को उपलब्ध कराई गई है उसमें दिनांक 15 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थलों पर उन्होंने भारी से अधिक भारी वर्षा की चेतावनी दी है। ये तो जब उनका नौकास्ट हमें प्राप्त होगा तो उससे ये क्लियर कट होगा, लेकिन ये है कि इस क्षेत्र में अगले 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होती रहेगी और मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। जैसे आज सुबह तक जो अभी हमारे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत जो क्लाइमेट सेल बना हुआ है उसके अनुसार गोरा अभी तक तकरीबन 21 मिलीमीटर वर्षा सुबह 8 बजे से लेकर अब तक हो चुकी है, जो कि हमारे वहाँ रिकॉर्ड हो रही है। तो इसी प्रकार थोड़ा मौसम अभी बना रहेगा और बारिश इसी प्रकार होती रहेगी। और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कितना बना रहेगा? नहीं, ह्यूमिडिटी जो जैसे जैसे बारिश होती रहेगी, अगर धूप नहीं निकली और उसमें रहा तो ह्यूमिडिटी उमस तो कम रहेगी ही, और लेकिन ये है कि इस दौरान थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। मतलब जो भी वाहन चला रहे हैं वो हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें, क्योंकि कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। तो बारिश लगातार बनी रहेगी और ह्यूमिडिटी डाउनफॉल होगा।
जी ऐसी इस मौसम में ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे वज्रपात होने की संभावना रहती है। जैसा कि अभी हम लोग अभी शेयर कर रहे थे, दामिनी ऐप है, दामिनी लाइटनिंग अलर्ट करके आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये ऐप वहाँ पर मिलेगा। और इस ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे, तो वो तुरंत का मतलब वो ये बताता है कि अगले मतलब आपके जहाँ पर आप खड़े हैं इस समय, वहाँ के 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर रेडियस में कहाँ पर वज्रपात होने की संभावना है, तो उसके संबंध में वो अलर्ट जारी करते हैं। तो ये भारत सरकार द्वारा एक विकसित ऐप है दामिनी लाइटनिंग अलर्ट करके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जिसको मोबाइल पे आप डाउनलोड करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर एनडीआरएफ कितनी तैयारी है? यहाँ पर एक यूनिट एनडीआरएफ की ऑलरेडी, जैसा कि यहाँ पे आरआरसी उनका एक स्टेशन यहाँ पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उसके अलावा एक एसडीआरएफ की भी, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की भी एक यूनिट यहाँ पे 26वीं वाहिनी पर तैनात है। और अभी हमारे वहाँ जो 26वीं वाहिनी पीएससी की एक जो बाढ़ दल है वह इस समय राप्ती नदी तट पर तैनात है, और वहाँ पे वो लोग अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और वहाँ पर वो लोग मतलब किसी भी आपात स्थिति के निपटने के लिए वहाँ पर एक तरीके से डिप्लॉयड है। तो अभी यहाँ पे गोरखपुर में तीनों यूनिट्स अवेलेबल हैं फ्लड के दृष्टिगत, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, और कोई भी अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो वहाँ पर सभी लोग तात्कालिक रूप से कार्य करेंगे।